हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बनाएंगे बहुत ही ताकतवर सब्जी की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी, जो बनाने जितना ज़्यादा आसान है खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए इसकी रेसिपी बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है ककोरा। इसे बहुत सारे जगह काकरोल या और भी अलग अलग नाम से बोलते हैं। आप इसे क्या नाम से बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और काकरोल को हम 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे और इस तरीके से चाकू से बीच में से कट कर लेंगे और इसके पतले पतले इस तरीके से स्लाइस में कट कर लेंगे। ये सब्जी बारिश के सीजन में मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है और ये बहुत ही प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होता है। तो आप इस सब्जी को मार्केट से इजीली लाके घर पे बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये इजीली, यहाँ मैंने इसे पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है। और अब हम एक दूसरा ककोरा लेंगे, इसे भी बीच में से कट कर लेंगे। और अब यहाँ मैं इसे दूसरे तरीके से काट रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे लंबे लंबे स्लाइस में कट किया है। आपको जैसा इजी लगे और अच्छा लगे आप उस शेप में इसे कट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दोनों ककोरे को अलग अलग शेप में कट कर लिया है, लेकिन ये बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि दोनों को मैंने अलग तरीके से कट किया है। और आप देख सकते हैं मैंने सारे ककोरे को कट कर लिया है और ये देखने में कितने ज़्यादा फ्रेश लग रहे हैं। और चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने एक प्याज लिया है, यहाँ मैंने बड़े साइज का प्याज लिया है। आप चाहे तो छोटे या मीडियम साइज के दो प्याज को इस तरीके से पतले स्लाइस में कट कर सकते हैं। और यहाँ मैंने मिर्ची को अच्छे से धो लिया है और मिर्ची को भी हम इस तरीके से बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। यहाँ मैंने मिर्ची को बड़े टुकड़ों में काटा है, आप चाहें तो छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो आप मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पे कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। और इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ मैंने 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल का यूज़ किया। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को आप स्किप कर सकते हैं और प्याज की जगह आप आलू का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ऑयल हमारा गर्म हो गया। हम इसमें 1/2 चम्मच 5 फ़ोरन डालेंगे। 5 फ़ोरन की जगह आप जीरे या सरसों का भी तड़का डाल सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से क्रैक होने देंगे, जिससे इसका फ्लेवर ऑयल में अच्छा से आ जाएगा और हमारी रेसिपी बहुत ही फ्लेवरफुल बनेंगे। और आप देख सकते हैं ऑयल में सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से क्रैक हो गए हैं। और अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। यहाँ मैंने हरी मिर्च का यूज़ किया। आप मिर्च अगर खाते हैं तो ऐड करें, नहीं तो आप इसकी जगह अदरक के लच्छे भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम इसमें एक सूखी लाल मिर्च डालेंगे। ये डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपको तीखा या मिर्च पसंद है तो आप इसे डालें। और अब हम इसमें प्याज के स्लाइस कटे हुए डालेंगे और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे प्याज को इस तरीके से चलाते हुए 20 से 30 सेकेंड के लिए भून लेंगे, जिससे प्याज का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और प्याज में हल्का गोल्डन कलर भी आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ मैंने इसे अच्छे से चलाते हुए प्याज को भून लिया है। इस रेसिपी को आप 10 से 15 मिनट में इजीली बना सकते हैं और आप इसे लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और आप देख सकते हैं प्याज को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है और ये अच्छे से भुन गए हैं। और अब हम इसमें कटे हुए ककोरा डालेंगे। ककोरा डाल करके हम इसे भी हाई फ्लेम पे ही चलाते हुए अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ मैंने 500 ग्राम ककोरा का यूज़ किया है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसे चलाते हुए फिर से अच्छे से भून लेंगे। ककोरे को बनाते समय ज़्यादा प्याज का यूज़ ना करें, नहीं तो ककोरे का फ्लेवर दब जाएगा और उसका कुछ फ्लेवर नहीं आएगा, क्योंकि प्याज मिठास इसमें ऐड कर देता है। और अब हम इसे ढक करके 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। और अब हम इसे एक बार फिर से चलाते हुए भून लेंगे। और आप देख सकते हैं ककोरा हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, जिससे ककोरा हमारा इजीली और जल्दी पकेगा। और अब हम इसमें कलर और फ्लेवर के लिए हल्दी पाउडर डालेंगे। यहाँ मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर का यूज़ किया है। अगर
आपको और ज़रूरत लगे तो हम इसे बाद में डालेंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। यहाँ मैंने भुने हुए धनिया पाउडर का यूज़ किया है। भुने हुए धनिया से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम इन सभी मसालों को एक बार फिर से ककोरे में अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम पे हम 20 से 25 सेकंड के लिए गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे, जिससे ककोरे में हमने जो नमक और मसाले डाले हैं उसे अच्छे से ककोरे के साथ मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें आधा चम्मच और हल्दी डालेंगे, क्योंकि हल्दी काफ़ी कम हो गया था। और अब हम इसमें तीखे के लिए 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम एक बार फिर से मसालों के साथ ककोरे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम इस टाइम पे मीडियम कर देंगे। और हम इसे अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे, जिससे मसालों का फ्लेवर ककोरे में इजीली और अच्छी तरीके से ऐड हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने हल्के हाथों से मसालों को ककोरे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमें इसे इस तरीके से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसे ढक करके मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए ढक करके पकने देंगे। और आप चाहे तो इसे बीच बीच में चलाते हुए चेक कर ले, जिससे ये तले में लगेंगे नहीं और अच्छी तरीके से पकेंगे। 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं ककोरे हमारे बहुत अच्छे से पक गए हैं और ये इजीली गल भी गए हैं। आप इस तरीके से चेक कर ले, ये कट रहा है, इसका मतलब है कि ककोरे हमारे इजीली बहुत जल्दी बन के तैयार हो गए हैं। यहाँ मैंने इसे बीच बीच में 1-2 बार चेक कर लिया था। और अब हम इसमें आधा चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे। यहाँ मैंने सब्जी मसाले का यूज़ किया है, आप चाहे तो गरम मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम सब्जी मसाले को एक बार फिर से चलाते हुए अच्छे से ककोरे में मिक्स कर लेंगे। आप किसी भी ब्रांड का सब्जी मसाला यूज़ कर सकते हैं। और चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आप इसे चावल, दाल, पूड़ी, पराठा, चपाती किसी के भी साथ खाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। इसे आप अपने डेली डाइट में ज़रूर शामिल करें। इससे आपकी आँखों की परेशानी हो या डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर सभी कंट्रोल में रहता है। और ये बनाने में भी बहुत ही इजीली है और कम मसालों में भी बन जाता है। इस तरीके से ककोड़े को घर पे जरूर बनाएं, आपके साथ आपके घर वालों को भी बहुत ही पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नई रेसिपी में।